नमस्कार दोस्तों, छायावाद का भाग सात, इसमें मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं और कविताएं जितनी उनकी है उसके बारे में बताऊंगी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और संध्या ह्यूमनिस्ट चैनल को शुरू से लास्ट तक देखिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जो पहली बार देख रहा है। तो शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में थोड़ा सा बता दूं, इनका जन्म जो है 1899 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1961 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका महिषादल हुआ था और इनका मृत्यु स्थान जो है वह इलाहाबाद में है। यह इलाहाबाद में मरे थे और इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी थे। इनकी पत्नी मनोहरा देवी इनकी पत्नी का नाम था और इनकी पुत्री सरोज जो जिसपे इन्होंने सरोज स्मृति भी लिखा है अपनी पुत्री के मर जाने के बाद। निराला जो है, इनका निराला नाम कैसे पड़ा यह भी थोड़ा सा बता दूं। 1923 ईस्वी में कलकत्ता से महादेव प्रसाद सेठ ने मतवाला अखबार निकाला जहां पर इन्हें संपादक बनाया गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को संपादक बनाया गया। उसी अखबार में इन्होंने अपना नाम निराला रखा था। तो अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। इनकी रचना जूही की कली 1916 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट है पंचवटी प्रसंग एक गीत काव्य है जो 1921 में लिखी गई थी। और मैथिली शरण गुप्त का भी एक जो है पंचवटी प्रसंग है, लेकिन उनका गीत नाट्य है और इनका गीत काव्य है। नेक्स्ट है 1923 अनामिका 1923 ईस्वी में लिखा गया था। यह प्रथम काव्य संग्रह है और इसी में जूही की कली है। और जूही की कली जो है 1916 में लिखा गया, यह मुक्तक रचना है। नेक्स्ट है 1930 में परिमल लिखा गया था, परिमल काव्य संकलन है। नेक्स्ट है 1936 गीतिका यह काव्य संकलन है। अगला है 1935 में सरोज स्मृति लिखा गया, यह एक शोक गीत है जिसमें सरोज स्मृति को याद करके इन्होंने, यह एक लंबी कविता है निराला जी ने लिखा है। नेक्स्ट है राम की शक्ति पूजा यह लंबी कविता है, 1936 ईस्वी में इन्होंने लिखा था और राम की 1936 ईस्वी में लिखा गया है। नेक्स्ट है तुलसीदास यह प्रबंध काव्य है, 1938 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट है कुकुर मुत्ता 1942 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। अगला है अड़िमा 1943 ईस्वी में लिखा गया। नेक्स्ट है बेला 1946 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। नेक्स्ट है नए पत्ते 1946 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। अर्चना 1950 में इन्होंने लिखा। नेक्स्ट है आराधना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 1953 ईस्वी में लिखा। नेक्स्ट है गीत गुंज 1954 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। इनकी नेक्स्ट कविता है सांध काकली जो 1969 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। नेक्स्ट है निराला के काव्य संसार में प्रथम व अंतिम रचनाएं जो है, प्रथम संग्रह इनका अनामिका है, अंतिम संग्रह सांध काकली 1969 ईस्वी में, और जूही की कली प्रथम कविता है, यह मुक्तक छंद में लिखी गई है, इसीलिए इसे जो है झरना से पहले लिखा गया है, लेकिन यह मुक्तक छंद में लिखा गया था इसीलिए इसे छायावाद का पहली रचना नहीं मानी जाती। इसीलिए छायावाद की शुरुआत झरना से की जाती है, ना कि जूही की कली से। अगला है इनका अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का बिस बुझा हुआ इनकी अंतिम कविता है। नेक्स्ट है निराला कृति अनामिका में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं। सरोज स्मृति जैसे कि मैंने बताया कि यह एक शोक गीत है, इसमें जब सरोज का देहांत हो जाता है, वह मर जाती है और वह एक फोड़े के जरिए मरती है, तो उसे जो है उसके बचपन से लेकर उसके विवाह के बाद तक इन्होंने
उसका वर्णन किया, जैसे कि उसमें एक पंक्ति फेमस है, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कर भी न सका कुछ तेरे हित में। इनकी यह कविता बहुत ही फेमस है, जो सरोज स्मित की यह लाइन है। नेक्स्ट है सम्राट एडवर्ब के प्रति। नेक्स्ट है प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखे थे, यह एक लंबी कविता है, अनामिका में संग्रहित है ये। नेक्स्ट है रेखा, तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर में उन्होंने स्त्री के जो है, बार बार वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के छत पर, यह इनकी जो है एक गरीब मजदूर महिला के बारे में दर्शाती है यह कविता, कि वह जो पत्थर तोड़ती हुई गरीब महिला मजदूर है वह भी कितनी सुंदर लग रही है पत्थर तोड़ते हुए, इसमें उन्होंने ऐसा वर्णन किया है। नेक्स्ट है सच है 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट है जो परिमल में, परिमल इनका एक काव्य संग्रह है, उसमें संग्रहित कविताएं अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, इनकी परिमल में संग्रहित है। अगला है नेक्स्ट निराला के काव्यात्मक, निराला के काव्यात्मक जीवन को तीन चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है 1921 से 1926, इसमें अनामिका, परिमल, गीतिका काव्य संग्रह आए हैं, और द्वितीय चरण जो है वह 1937 से 1946, इसमें बेला, अरिमा, नए पत्ते संग्रह आए हैं। बेला की एक फेमस पंक्ति है, आज अमीरों की बस्ती में गरीबों की होगी पाठशाला, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, यह बेला से है। तृतीय चरण है 1950 से 1961, इसमें अर्चना, आराधना, गीत गुब्ज, सांध्य कांकली संग्रह आए हैं। नेक्स्ट है इन ये जो संग्रह हैं तीनों, इन संग्रहों में कुल प्रमुख कविताएं परिमल में राग विराग, राग बादल राग अधिवास है, परिमल में बादल राग अधिवास है। और नेक्स्ट है अनामिका, अनामिका में सरोज स्मृति, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, वह तोड़ती पत्थर, तुलसीदास है। नेक्स्ट है नए पत्ते में कुकुरमुत्ता है। अगला है सांध्यकांकली, सांध्यकांकली में पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ जो है सांध्यकांकली में है। नेक्स्ट है निराला को नामवर सिंह ने छंदों का गुरु कहा है, और निराला को नामवर सिंह ने छंदों का गुरु कहा। निराला की तुलना अमेरिका के एक कवि वाल्ट विटमैन से की जाती है। निराला की रचनाएं मुक्तक छंद में हैं, लेकिन तुलसीदास प्रबंध काव्य में सर्वाधिक छंद का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास में गोस्वामी तुलसी को भारत का संस्कृत सूर्य कहा गया है। निराला की जो कविताओं का संग्रह रामविलास शर्मा ने राग विराग नाम से किया है, और इसमें कुल 130 कविताएं हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और संध्या ह्यूमनिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाना ना भूलिए। जय हिंद, धन्यवाद।